हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान पीटीआई एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर 2022। सो गाइस, यहाँ हमारी बात करेंगे पहले एग्ज़ाम पैटर्न वन की, पेपर वन के लिए। तो यहाँ हमारे चार सब्जेक्ट होंगे। पहला हमारा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एंड सामान्य ज्ञान, जिसका 40 मार्क्स का होगा ये, ठीक है, सॉरी 80 मार्क्स का होगा। फिर राजस्थान की समसामयिक घटनाएँ, ये 20 मार्क्स का होगा। विश्व एंड भारत की सामान्य ज्ञान, ये हमारा 60 मार्क्स का होगा। और शैक्षिक मनोविज्ञान, ये होगा हमारा 40 मार्क्स का। तो टोटल होगा हमारा 200 मार्क्स का, ठीक है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न बात करें पेपर टू की, तो ये होगा हमारा गाइस टोटल 260 मार्क्स का। और इसमें हमारे काफ़ी सेक्शंस हैं, कितने हैं, 4 एंड 4 8, तो 8 सेक्शन हैं, जिसमें हमारा सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, ठीक है, और फिर क्रीड़ा एंड शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान एंड समसामयिक घटनाएं इतिहास, ठीक है। फिर शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत और परिभाषा इतिहास। फिर आएगा शिक्षा एंड खेल मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा की विद्या विद्या एंड पर्यवेक्षण और उनकी संगठन एंड प्रशिक्षण के सिद्धांत एंड विनिश्चय, मूल शरीर रचना की विज्ञान एंड उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा। और साथ में लास्ट में हमारा है मनोरंजन कैंप और योग्य। तो यहाँ हमारे इनके मार्क्स डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कितने कितने मार्क्स का ये हर एक सब्जेक्ट है, और टोटल होगा गाइस ये 260 मार्क्स का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो हम बात सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान पीटीआई पेपर वन का सिलेबस 2022 के लिए, जिसमें हमारे 4 सेक्शन थे और 200 मार्क्स का होगा गाइस। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एंड सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा आएगा स्थान, क्षेत्र, राहत सुविधाएं, जलवायु, जल निकासी, वन वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या विवरण, विकास वितरण एंड विकास, साक्षरता, लिंग अनुपात, उद्योग, ठीक है। तो ये सारा राजस्थान से रिलेटेड होना चाहिए, आपको उसको पढ़ना है। एंड योजना, बजटीय रुझान, प्रमुख पर्यटन केंद्र, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्चर एंड बेराट, और 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, और मेवाड़, रण थंबोर और जालोर, राजस्थान और मुगल, सांगा प्रताप और आमेर के मानसिंह चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह, ठीक है। काफ़ी बहुत ही बड़ा इतिहास है राजस्थान का, सो आपको सब कवर करना होगा। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, किसान, तो आप टॉपिक पर जाएंगे तो इससे ईजी हो जाएगा, और प्रजामंडल आंदोलन और ये सब चीज़ें हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा, आपको ये सब मिल जाएगा पूरा सिलेबस। और राजस्थान के साथ मंदिर, किले, मेले के त्यौहार, मेला और त्यौहार, लोक संगीत, राज्यपाल कार्यकाल कार्यालय एंड मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य, राज्य सचिवालय एंड मुख्य सचिव, ठीक है। और ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन भूमिका, और ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या करते हैं ये, और ये कैसा संगठन कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। फिर आता हमारा राजस्थान का करंट अफेयर, ठीक है, जो कि करंट इवेंट्स होते रहते हैं सारे। सो राजस्थान स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और खेल के पहलू से संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएँ, जो अभी रिसेंटली हुई है करंट अफेयर, उसे कहते हैं। फिर आता है हमारा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिसमें महाद्वीप आ जाता है हमारा, विश्व का भी और पूरा मतलब या दुनिया का और साथ में भारत का। तो आपको भारत पे ज़्यादा ध्यान देना है, विश्व पे देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत पे देना है। फिर महाद्वीप हो जाएगा, महासागर हो जाएगा, उनकी विशेषता हो जाएगी, वैश्विक और पर्यावरणीय समस्या है, ठीक है, वैश्विक रणनीतियाँ, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति एंड वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। फिर ये वैश्वीकरण, परमाणु अवसर के विषय, विशेष संदर्भ के में अंतर्राष्ट्रीय नीति में प्रमुख रुझान, मानसून प्रणाली, स्थान और उसके फायदे,
राष्ट्रीय आय रुझान से काफ़ी सा बहुत बड़ा सिलेबस है इसमें भी। तो मौलिक अधिकार, राज्य राजनीति के कर्तव्य एंड भारत की संघीय व्यवस्था एंड लास्ट में हमारा प्रमुख राजनीतिक दल। फिर आता है हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान में कक्षा स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, ठीक है, दायरा और प्रभाव, यानी कि मनोविज्ञान का मेंटल जो साइकोलॉजी होती है उसका क्या प्रभाव होता है किसी शिक्षक के लिए, विभिन्न मनोविज्ञान एंड शिक्षक में उसका उनका उद्योग योगदान, यानी कि हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, मेंटल जो साइंस होती है वो कितना योगदान करती है किसी भी शिक्षा में सीखना, और उसका अर्थ, प्रकार, सीखने के विभिन्न, ठीक है, विभिन्न सिद्धांत, शिक्षक के लिए नीतार्थ, सीखना का स्थानांतरण, ठीक है। और फिर आता है हमारा शिक्षार्थी का विकास, शारीरिक, भावनात्मक। फिर आता है हमारा इसमें व्यक्तित्व, इसका अर्थ क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, मूल्यांकन होता है, समायोजन होता है, और इसकी क्रियाविधि, और ये सब चीज़ें आपको कवर करनी होगी। बुद्धि, रचनात्मकता, फिर आएगा हमारा प्रेरणा का अर्थ और सीखने की प्रक्रिया में भूमिका, उपलब्धियाँ, ठीक है। और फिर आएगा हमारा व्यक्तिगत अंतर, अर्थ, स्रोत, ठीक है, और आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली एंड प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली छात्रों, धीमी गति से सीखने वाले, और अपराध। शिक्षा में विकास और निहितार्थ, आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदित्य, योग्यता और सामाजिक कौशल। सो ये सब आपको कवर करना पड़ेगा शैक्षिक मनोविज्ञान में। फिर आ जाता है हमारा सिलेबस पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 2 का तो 2 पेपर होंगे आपके, एज यू नो। उसके बाद आपके यहाँ पहला जो हमारा सेक्शन होगा वो 60 मार्क्स का, और जिसमें आएगा हमारा माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक मानकों की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, जिसमें आएगा हमारा शारीरिक शिक्षा, जिसमें अर्थ आ जाएगा, उसका उद्देश्य, दायरा, आवश्यकता और महत्व, कि शारीरिक शिक्षा के बारे में भ्रांतियाँ, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा यहाँ जैविक नींव, फिर मनोविज्ञान आधार, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन फाउंडेशन, फिर फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन, शारीरिक स्वस्थता। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी होगी, शारीरिक एंड स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस टेस्ट, खेल और सांस्कृतिक विरासत के रूप में, और काइंसोलॉजी, फिर गति है और गति का नियम, पुनर्वास में चिकित्सा तौर तरीके, खेल मालिश एंड सामान्य। तो ये आपको कवर करना होगा। फिर आता हमारा खेल, शारीरिक शिक्षा और उन इसके। सो ये मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से एक कॉपी आप वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या PDF की लिंक दे दूंगा। फिर आता है हमारा उपरोक्त खेल एंड ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है, जैसे कि उपरोक्त खेलों और खेलों के इतिहास, खेल का इतिहास, उपरोक्त खेलों और खेल के नवीनतम सामान्य नियम, ठीक है। ऐसे ये सब चीज़ें करनी है। खेल व्यक्तित्व, खेल पुरस्कार, खेल संघ और क्या संघ, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एंड परिभाषा और इतिहास के 20 मार्क्स, जिसमें शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, सिद्धांत, ग्रीस और अन्य देशों के शहर और राज्यों में शारीरिक शिक्षा, ठीक है। और लास्ट में इसका है आंदोलन, टन वेरी वेरिन आंदोलन एंड परोपकारी आंदोलन एंड स्पार्टा क्रीड एंड YMCA और अखाड़े। फिर शिक्षा, खेल और मनोविज्ञान में 20 मार्क्स है इसमें। तो मनोविज्ञान हो गया, उसकी अर्थ, ये पहला पेपर के लिए आपने काफ़ी पढ़ लिया होगा, तो वो बस उसी को रिवाइज करना है, और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, जैसे कि मनोभौतिक और एकता हो गई, व्यक्तिगत अंतर और परीक्षण का स्थानांतरण, ठीक है। फिर आता है हमारे सारे शिक्षा के तरीके, पर्यवेक्षण और संगठन, 20 मार्क्स का, जिसमें शिक्षण विधियों के प्रकार, पाठ योजना, शिक्षण में मददगार सामग्री, ठीक है, और मार्गदर्शक सिद्धांत, आवश्यक विशेषताएं, और प्रतियोगिता और टूर्नामेंटों का संगठन और संचालन, ठीक है। फिर जनसंपर्क,
फिर इसमें आता है शिक्षण निर्णय के सिद्धांत, जिसमें 20 मार्क्स का है ये। खेल परीक्षण हो गया, परीक्षण, प्रशिक्षण, भार और अवधिकरण सॉरी, एंड मोटर क्षमताएं, अर्थ इसका क्या होता है, प्रकार क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, विकास के तरीके क्या होते हैं। फिर कोचिंग आ गया हमारा, कोचिंग में अर्थ क्या होता है, तकनीक क्या होती है, रणनीति क्या होती है, लीडरशिप, लीड अप गेम, गतिविधियाँ क्या होती हैं इनमें, फिर स्थानापन, ठीक है। और लास्ट में आता है एक अच्छे तरीके अधिकारियों के गुण एंड योग्यता जिम्मेदारियाँ, ठीक है। सो यहाँ हमारे दो लास्ट में सेक्शन है, बेसिक फिजिकल एनाटॉमी का विज्ञान एंड इसके कार्य एंड स्वास्थ्य शिक्षा, और लास्ट में हमारा है मनोरंजन शिविर और योग्य। सो आप देख लेना ये सिलेबस, ठीक है, और ये सिलेबस। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस एंड फॉर मोर डिटेल ऑन राजस्थान PTI, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनफक शॉर्ट। टिल देन बाय।